हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला। क्यों खतरे में है? ये नैरेटिव बना गया, प्रोपेगेंडा बनाया गया ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लटियन जोन में बैठ के अगर बोलने से हिंदू खतरे में है, उसके बोलने से काम चल जाता है, तो काम करवाने की क्या जरूरत है? 70 साल से तो देश में हिंदू खतरे में था, जब अब हिंदुओं की सरकार आज हिंदू खतरे में है, जब देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री एक सिख था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में था, आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। समझे गेम को? देश की 80% आबादी, 80% आबादी हिंदुओं की है, 14-15% मुस्लिमों की है, 80 आदमियों को 14 आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? समझ रहे नैरेटिव को? ये नैरेटिव बनाया गया है, ये दिमाग में डाला गया है। मैंने बोला ना, पोलराइज कर दिया सोसाइटी को, अगर उसका नाम लेंगे तो लोग सोचेंगे यार हिंदू खतरे में है, सही बोल रहा है, मोदी ही बचा सकता है हिंदू को। वो असली मुद्दे है ना, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, वो भूल जाते हैं और हिंदू खतरे में, गाय खतरे में है, इस बात पे लगे रहते हैं। भाई ये कोबरा है, सांप है, चूहा है, बिच्छू है, क्या है, अपने बिल में रहो ना, बोले ना काम की बात करो ना। इस देश में कोई भी काम की बात करने वाला नहीं, एक तो मन की बात कर रहे हैं भाई साहब 6-7 साल से, समझ रहे हो ना। अगर जो पढ़ा लिखा होगा, सिस्टम में इंजेक्ट होगा, उस टैलेंट होगा तो काम करेगा, बोल रहे ना मुद्दों की बात करे, इशू बेस देश राजनीति करेगा। ये नैरेटिव खड़ा किया गया है, मैं बोल रहा हूँ काम की बात करो, पढ़े लिखे को किताब पे और बंदूक उस पे, कैमरे पे बंदूक का पैर है, किताब तो जेलों में पड़ी है, क्राइम पार्लियामेंट में बैठा है, ये झूठों की सरकार है। रात इन दो जी ने कहा था, क्योंकि बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे 2014 में आए, 1 करोड़ दे देते, 50 लाख देते, तो कम दे देते, कहाँ है? अब बंगाल में दूसरा वादा किया कि 30 लाख कितने देंगे रोजगार, रात इंदौरी जी ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, तो ये झूठों की मंडी है। और हमारी मंडी एपीएमसी मंडी, किसान की मंडी को खत्म करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? हम होने नहीं देंगे ऐसा, अब जागरूक हो गए, हम इकट्ठा हो गए हैं। वोट बैंक की आपने बात की, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, आप कुछ भी उठा के देख लो, चुनाव हो रहा है, चुनाव मूड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। पिछले साल 2019 में आम चुनाव था, पिछले साल चुनाव था, अब की बार 5 राज्यों में चुनाव है, अगले साल भी चुनाव है, यूपी में चुनाव है, उससे अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव, फिर आम चुनाव है, तो चुनाव ही हो रहे हैं 2024 तक। पहले क्या होता था कि 5 साल में एक बार चुनाव होता था, फिर विकास होता था, अब क्या हो रहा है कि चुनाव खत्म ही नहीं हो रहे, उपचुनाव होते हैं, सरकार पलटती है, खरीद फरोख्त होती है। जब लॉकडाउन लगा आपने देखा होगा केवल दारू और विधायक बिक रहे थे और कुछ नहीं बिक रहा था, समझ रहे हो? इस देश में चुनाव खत्म नहीं हो रहे। अगर आप एक बार 5 साल के लिए चुनाव को भूल जाए ना सरकार, तो हम अमेरिका से आगे निकाल सकते हैं देश को, क्योंकि 80 करोड़ आबादी देश की युवा है, रोजगार चाहिए उसको, 35 साल से नीचे है, अगर उनको रोजगार मिल गया और शरम बल जो कामयाब हो गया, तो क्या 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 50 ट्रिलियन की बना देंगे। डर कहाँ लगता है, उन्हें डर की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि बोल देंगे हिंदू खतरे में है, तो बात ही बन जाती है, क्यों बन जाती है? क्योंकि सोसाइटी का पोलराइजेशन कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया है, ऊपर से रेडिकलाइजेशन भी होता है, पोलराइजेशन होता है। उदाहरण के लिए पिछले साल मैं अपने गांव में गया, तो एक लड़का था, मैं उसको बोला कि भाई किसका है, वो बोला बीजेपी का, मैं उसके पापा का नाम पूछ रहा था, इसको बोलते पोलराइजेशन, समझ रहे हो? इसको पोलराइजेशन बोलते, छोटे छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि तू किसका है, मतलब बीजेपी किस धर्म की पार्टी है, कांग्रेस किसकी है, धर्म जाति के बारे में बताया जाता है, ये पोलराइजेशन होता है, रेडिकलाइजेशन होता है। वो पोलराइज तो ऑलरेडी है, लेकिन वो हथियार उठा ले, मारने पर उतार हो जाए, हिंसा कर दे, दंगा कर दे, तो अगर हिंदू खतरे में है इस बात से कहने से अगर सरकार बन जाती तो क्या क्या जरूरत है? जयदीप जी, जो मिथुन चक्रवर्ती है, उसने जो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया अब तक, एक अच्छे डांसर के तौर पर वो जाने गए हैं, उनकी फिल्में भी हैं, डिस्को डांसर, एक पहचान थी डिस्को डांसर के तौर पर, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कोबरा हूँ, क्या अब वो बीजेपी की बीन पे डांस करेंगे? बीजेपी में आकर कर ही रहे हैं, और शक है कोई कोबरा है तो फिर कोबरा बिल में रहो ना, अपने बिल से बाहर क्यों निकल रहा है, समझ रहे हो ना? एक तो आप बिल को समझे, अगर ना समझे तो बिल बिलाए ना बाहर आके अपने बिल में ही रहे, समझ रहे हो ना? ये राजनीति हो रही है टोटल भाई साहब, जो जिसके खिलाफ खड़ा होगा ना, उसके अपने बेटे, उसके बेटे से रिलेटेड कुछ केस पड़ा होगा, वो फंसने वाले थे तो उसको अपने पाले में ले आए, अब पूरा नैरेटिव बदल गया है, अब वो दूध का दूल्हा हो गया है, समझ रहे हो ना? बीजेपी उस मशीन का नाम है जो उसमें से निकलेगा साफ हो। एक तो एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे है ही नहीं, इथिक्स इस देश में मोरलिटी पढ़ाई नहीं जाती, समझ रहे हो? दूसरी बात, वो भगत हैं, वो जो ऐसा बोल रहे हैं भगत है, पार्टी के चिंटू हो, उसके चापलूस हैं पार्टियों के, वो काम की बात कर दे, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसे ही बोला होता देश का तो 1000 में खरीदो ना पेट्रोल, क्या दिक्कत है? अगर ऐसे बोला होता तो चाइना हमारे देश के अंदर गांव बसा दिया घुस के, ये बोला ये है ना राष्ट्र, समझ रहे? नैरेटिव में बोला हूँ बार बार, ये देश को बांट दिया है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, किसी ने कहा था नहीं आपके नकाब के अपने बाप के, न्यूट्रल कौन है इस देश में? कोई भी नहीं है, ये खत्म करने जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई भी उठा के देख लो, मैं बोल रहा हूँ बार बार। एक तो प्राइवेटाइजेशन करने पे लगे हुए हैं, ऊपर से जो नौकरियां हैं, अब SSC GD का अपने ताजा उदाहरण है, 100 दिन से बच्चे बैठे हैं,
बीमार पड़े हैं, उनके चप्पल कपड़े भी उठा लिए लोगों ने, रहने की जगह नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं है, बीमार पड़े सारे के सारे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, एक महीने से बैठे हैं। तो कब सुधरेंगे हम, कब आवाज उठेगी? लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का तंत्र, तो तंत्र पर लूट लिया ना, तंत्र उल्टा हो गया है, तंत्र भारी हो गया लोगों पे। तो अब बात क्या है कि लोकतंत्र की बहाली होनी पड़ेगी, लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर हमारे से रिलेटेड कानून बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, अब वोट लेने जाते हो तो गांव गांव में जाते हो, एक एक घर में जाते हो कि वोट देना, मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, लेकिन उन्हीं के बच्चे आज आपके घर आए हैं। जाना चाहिए था आपको, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, आप सर्वर हो ना, हमारे सर्विस करते हो, आपको वहां जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे आए हैं, एक महीने से बैठे, तो आज उनसे उनके छोड़ दो, 3 महीने से हम बैठे हैं, देश की 70% आबादी किसानों की है, तब भी कोई जू नहीं रहेगी, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा भाई साहब, तेल निकाल दिया इसका। जयदीप जी, आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, क्या लगता है कुछ आपको जॉब मिल पाएगी ऐसे सिस्टम में, ऐसी सरकार में? नौकरी क्या छोड़ दी है मैंने, क्यों छोड़ दी है, क्यों बोल रहा हूँ कि जो PSU नौकरियाँ कहाँ होती है आप तो मुझे बताओ, सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है, सरकारी संस्थान होते हैं, PSU होते हैं, उनको बेचा जा रहा है। जो CGL SSC के एग्जाम होते हैं उसमें 2014 में पोस्ट थी 15,000, आज कितनी रह गई है 6,000, क्यों रह गई है, क्योंकि जो PSU होते हैं उनको बेचा जा रहा है, तो नौकरियाँ तो वहीं मिलनी थी ना, तो अपने आप ही खत्म होगा देश, पूंजीवादी व्यवस्था में जो निजीकरण उसको कर दो आप, नया बजट है उसमें 2,00,000 करोड़ का टारगेट रखा निजीकरण का, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का, तो क्या है कि निजीकरण होगा, पूंजीवाद आएगा, पूंजीपति कारखाना लगाएगा, फिर वही होगा जो लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर के साथ हुआ था। तो मोदी जी कहते होते हैं कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, पिंचर लगाना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी, हाँ अगर पकौड़ा तलना आत्मनिर्भर है, रोजगार मिलता है, तो आप पकौड़ा तल लो ना, PM-ship को छोड़ के सरकार को छोड़ गया। और दूसरी बात, अगर पकौड़ा तलना रोजगार है तो डिग्री क्यों करवा रहे हो, डिग्री डिप्लोमा क्या जरूरत है, पकौड़ा तलने के लिए PhD करने की जरूरत है क्या, PhD क्यों करवा रहे हो आप, पढ़ा लिखा जो PhD करके आया, लाखों रुपए खर्च करके एक BTech की डिग्री लोगे ना आप, कम से कम 10-15 लाख रुपए लगते हैं, कहां से वो अपना रिमबर्स कर देगा उसको, मतलब कैसे कमा लेगा, उल्टा पकौड़ा ही तलना तो फिर अनपढ़ भी तल सकता है, तो ये देश को खत्म करने हैं। देखिए किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कली युग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी, ये मूर्ख बना के पी रहे और कुछ नहीं है। मौसम खराब है, आंधी है, बारिश आती जा रही है, किसानों की फसल भी नष्ट हो रही है, बाकी जो आंदोलनकारी किसान है उनके टेंट भी यहाँ उड़ रहे हैं, पानी आ गया टेंटों में, बीमार पड़ने लगे हैं, कैसे सर्वाइव कर पाएगा किसान आंदोलन, ये नेचुरल चीज है, और किसान का शरीर भी नेचुरल, हम तो इस धूप छांव पानी बाढ़ इनमें ही रहते हैं, आप गांव में जाओगे ना कुछ नहीं, हमारे पास फैसिलिटी कहाँ है, तो शहरों में देखते हैं आपको 24 घंटे लाइट, वहां पे लाइट भी नहीं होती, 7-7 घंटे लाइट रहती है ना, कोई फैसिलिटी ना कोई सुविधा, गली मोहल्ला कुछ भी नहीं है, कोई जो पब्लिक फैसिलिटी होती है कोई सुविधा नहीं होती वहाँ पे, ये हमारी नेचुरल चीज है, हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारा प्रकृति का निष्ठा तो रोटी बेटी का है, हमसे तो प्यार करने वाले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा राम। और किसी ने कहा था कि सरकार को मैं कुछ कह दूं, किसी ने कहा था कि आंधियों से कहोगे को कात में रहें, सरकार से बोलोगे कात में रहें, क्योंकि हम हटने वाले नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाएगी जमीनें बिक जाएंगी, जमीनें बिकेगी तो मैंने बोला ना 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर गए तो 80 करोड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी जमीनें बिकेंगी माइग्रेंट लेबर बनेंगे, अरे निजीकरण ही इनके हाथों में जाएगा तो देश अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो हटने वाली बात नहीं है, कुछ भी हो जाए तो मैं खत्म कर दूं बात को, भगत सिंह आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, तो समाजवाद को जो गरीब है किसान है उसको उठाना पड़ेगा, और समाजवाद बात करता उसकी, वो पूंजीवाद खत्म कर देगा देश को। भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू है वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।